जन बच्चे, आप सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे, बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घटकर के केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक